मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी कैबिनेट में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। केंद्र सरकार ने नए नीति आयोग का गठन किया है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को जगह दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद भी अब शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाया गया तो हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन आलाकमान ने मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत का शिवराज को बड़ा इनाम दिया है। पहले उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई, उसके बाद शिवराज को दो बड़े मंत्रालय सौंपे गए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए जाने के बाद उन्हें नीति आयोग में भी जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को नीति आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। नई नीति आयोग की टीम बनी है, जो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है और इसमें 4 पदेन सदस्य हैं तो 11 विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, जिसमें बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया है। नीति आयोग एक तरीके से ये केंद्र सरकार का एक थिंक टैंक होता है, जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों नीतियों के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है बल्कि इसे मूर्त रूप लागू करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मदद भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।